नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप 5 सुपरस्टार के फीस के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों एक फिल्म में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा फीस कौन सा सुपरस्टार लेता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें नंबर 5 के, तो नंबर 5 पर है बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन। जी हाँ दोस्तों, 1991 में अजय देवगन ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उनकी पहली फिल्म का नाम था फूल और कांटे। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन ने एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्में की, कॉमेडी फिल्में की, लेकिन बॉलीवुड में उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है सिंघम। अगर दोस्तों बात करें सुपरस्टार अजय देवगन की फीस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें आज के समय में बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं 35 से 40 करोड़ रुपए और इस वक्त उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हो रही है बड़ी हिट। बता दे दोस्तों अजय देवगन के आने वाली फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये दोस्तों बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर यानी कि ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2000 में की थी और उनकी पहली फिल्म थी कहो ना प्यार है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और कहो ना प्यार है फिल्म को इतने अवार्ड मिले थे जितने अवार्ड आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म को नहीं मिले। दोस्तों आपको बता दे कहो ना प्यार है फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला था और बेस्ट डेब्यूट एक्टर का भी अवार्ड मिला था, जो कि आज तक बॉलीवुड के हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। बता दूं दोस्तों ऋतिक रोशन की फिल्में ज्यादातर स्टाइल और एक्शन से भरपूर रहती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ऋतिक रोशन के करियर में उनकी सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है क्रेज सीरीज। जी हाँ दोस्तों, क्रेज यानी कि सुपर हीरो के रोल में पब्लिक उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है और उनकी लास्ट रिलीज फिल्म वार ने तो बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। बताना चाहूंगा दोस्तों ऋतिक रोशन एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच में। अब वो डिपेंड होता है कि फिल्म की शूटिंग कितने दिन करेंगे और फिल्म कितने बड़े बजट की है, उस हिसाब से इनकी फीस डिसाइड की जाती है, लेकिन कम से कम ऋतिक रोशन 40 से 50 करोड़ एक फिल्म के लिए लेते हैं। दोस्तों बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर है बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान साहब। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान में तो काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन साथ ही साथ ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया के बाहर शाहरुख खान की जितनी फैन फॉलोइंग है, इतनी फैन फॉलोइंग शायद किसी और बॉलीवुड के एक्टर की हो ही नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शाहरुख खान की पिछले समय से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भले कमाल नहीं कर रही, लेकिन उनकी खराब से खराब फिल्म भी ओवरसीज मार्केट में बॉलीवुड के बाकी सुपरस्टार की सुपरहिट फिल्मों से भी ज्यादा कमाई करती है। आपको बता दें दोस्तों, शाहरुख खान सर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी दीवाना फिल्म से, जो कि आई थी 1992 में। दोस्तों शाहरुख खान की लास्ट फिल्म थी जीरो, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी सक्सेस तो नहीं रही थी। जब से शाहरुख खान ने अभी तक कोई फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि शाहरुख खान की जो भी अगली फिल्म आएगी वो बॉक्स ऑफिस पर हो जाएगी बड़ी ब्लॉकबस्टर। वैसे दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान साहब एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं मिनिमम 50 से 60 करोड़ रुपए और उनकी फिल्मों का पूरी दुनिया को इंतजार रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं शाहरुख खान की अगली फिल्म भी हमें जल्द से जल्द देखने को मिले और उनकी फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो कि फिर से वो बॉलीवुड के किंग बन जाए। वही दोस्तों बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर है बॉलीवुड के सुल्तान और हमारे सबके भाईजान सलमान खान सर। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान भाई ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी 1988 में फिल्म बीवी हो तो एसी के साथ में। आपको बता दें दोस्तों उस फिल्म में इनका भले ही साइड रोल था, लेकिन उसके बाद 90s के समय में सलमान भाई ने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जिसमें हम साथ साथ है, मैंने प्यार किया, इसके अलावा हम आपके हैं कौन और भी ढेर सारी फिल्में उनकी ब्लॉकबस्टर रही थी। लेकिन दोस्तों 2010 के बाद सलमान खान का करियर एक बड़ी ऊंचाई पे पहुंच गया, उसके बाद उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। हालांकि दोस्तों पिछले 2-3 सालों से सलमान भाई की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही, लेकिन पूरी उम्मीद है कि उनकी आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फिर से 300 और 400 करोड़ की कमाई करेगी। आपको बता दूं दोस्तों सलमान खान ने अपने करियर में वैसे तो ढेर सारी शानदार फिल्में की है, लेकिन उनका सबसे यादगार कैरेक्टर कहलाया जाता है राधे, जो कि तेरे नाम में उन्होंने प्ले किया था। अगर बात करें दोस्तों सलमान भाई की फीस के बारे में, तो दोस्तों सलमान खान एक फिल्म में काम करने का चार्ज करते हैं 60 से 70 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 60 करोड़ रुपए सलमान भाई की फीस है, लेकिन फिल्म की शूटिंग ज्यादा दिन तक चलती है तो 70 करोड़ रुपए भी वो ले लेते हैं। बता दो दोस्तों सलमान भाई की आने वाली फिल्म है राधे, जो कि रिलीज होगी
होगी ईद के मौके पर। और दोस्तों राधे फिल्म से पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर होगी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर और सलमान भाई फिर से लोगों को हैरान कर देंगे कि उनकी फिल्में अभी भी 300 करोड़ की कमाई कर सकती है। वही दोस्तों बात करें नंबर वन की, तो नंबर वन पे जगह बनाए बैठे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि मिस्टर अक्षय कुमार सर। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बॉलीवुड की फिल्मों को अगर हिट होना है तो उस फिल्म में दो चीजें होना जरूरी है। पहले तो अच्छी स्टोरी और अच्छा डायरेक्शन, वही दूसरी चीज है अक्षय कुमार। क्योंकि दोस्तों आज के समय में अक्षय कुमार जो फिल्म बनाते हैं उस फिल्म का सक्सेस होना तय है, क्योंकि आज के समय में ऑडियंस का भरोसा अक्षय कुमार पे अच्छा खासा बन चुका है और लोगों को पूरा यकीन है कि जब अक्षय कुमार कोई फिल्म लेकर आएंगे तो फिल्म की कहानी भी अच्छी होगी और फिल्म में हमें कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। बता दें दोस्तों, अक्षय कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी सौगंध फिल्म से, जो कि आई थी 1991 में। हालांकि दोस्तों अक्षय कुमार ने अपने करियर की शुरुआत में ज्यादातर एक्शन फिल्में बनाई थी और उनकी एक्शन फिल्में लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती थी। दोस्तों कुछ समय बाद अक्षय कुमार ने अपना हाथ आजमाया था कॉमेडी फिल्मों में और हेरा फेरी फिल्म उनकी पहली कॉमेडी मूवी थी। उसके बाद दोस्तों उनकी कॉमेडी फिल्मों की लाइन लग गई और अक्षय कुमार देखते देखते एक्शन किंग के बाद कॉमेडी किंग भी बन गए। आपको बता दो दोस्तों, अक्षय कुमार की फीस वैसे तो एक फिल्म में है 50 से 60 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार की जो आने वाली फिल्म है बेल बॉटम, जो कि रिलीज होगी 2021 में, उस फिल्म में काम करने के लिए अक्षय कुमार को ऑफर हुए हैं 100 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों अक्षय कुमार बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म है सूर्यवंशी, जो कि पहले 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें अक्षय कुमार की ढेर सारी फिल्में देखने को मिलेगी, जिसमें पहली तो होगी सूर्यवंशी, उसके बाद में लक्ष्मी बॉम्ब, पृथ्वीराज चौहान, बच्चन पांडे, बेल बॉटम और अतरंगी रे। इसके अलावा दोस्तों अफवाह उड़ रही है कि अक्षय कुमार आने वाले समय में धूम 4 में भी नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड के 5 सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सुपरस्टार। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप किसके फैन हैं, सलमान भाई, शाहरुख सर, अक्षय कुमार, अजय देवगन या ऋतिक रोशन। अपने फेवरेट एक्टर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और डेली साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।